हेलो लवली चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, आज जो ये बुक है माय बुक ऑफ इंग्लिश 2, जो सेकंड क्लास के लिए इंग्लिश की बुक है, उसका हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 10, जिसका टाइटल है लिटिल बर्ड। ये एक पोएम है, ठीक है। प्री रीडिंग मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, सारी एक्सरसाइजेज आपको करवाऊंगी मैं, और हर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्री रीडिंग हो, चाहे वो वोकेबलरी हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, एवरी एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। तो स्कूल में टीचर को और घर में पेरेंट को वो एक्टिविटी बच्चे के साथ ज़रूर करनी है, हर क्वेश्चन करना है, ताकि बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, जो उसकी मेंटल प्रोग्रेस है, वो होती रहे और वो इंटेलिजेंट आपका बच्चा बनता चला जाए। तो पहले है प्री रीडिंग। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में पहले भी बताया है कि रीडिंग करने से पहले, जैसे पोएम की रीडिंग या लेसन की रीडिंग करने से पहले का जो एक्टिविटी है वो है प्री रीडिंग, उसको बोलते हैं। तो ये चार बर्ड्स बनाए हुए हैं, और फॉर द टीचर, स्कूल में फॉर द टीचर और घर में फॉर द पेरेंट, है ना। पेरेंट्स नहीं लिख रही हूँ, पेरेंट्स का मतलब होता है दोनों, मम्मा और पापा, मतलब एक ही पेरेंट अगर करवाएंगे तब भी ठीक है, ठीक है। पेरेंट्स मैंने गलती से लिख दिया, पेरेंट, फॉर द पेरेंट, ठीक है। तो ये है आस्क चिल्ड्रन टू लुक एट द पिक्चर्स, बच्चे को बोलिए कि पिक्चर्स को देखे, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। पहला जो है नेम द बर्ड्स यू सी इन द पिक्चर्स गिवन अबव, कि आपने इन बर्ड्स का नाम बताना है जो इन पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो ये क्या है, क्रो, क्रो है ये, ठीक है, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो। और ये है स्पैरो, चिड़िया है ये, एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू, स्पैरो। और ये तो सबको ही पता है, तोता है, तोते की इंग्लिश होती है पैरट, पी ए डबल आर ओ टी, पैरट। और ये क्या है, पिजन, पी आई जी ई ओ एन, पिजन, ठीक है। ये पैरट है, ये स्पैरो है, ये क्रो है, ठीक है। तो ये चारों बर्ड्स के नाम हो गए, बच्चा चारों बर्ड्स के नाम बताएगा, और हो सके तो उसको स्पेलिंग्स भी लर्न करवा दीजिएगा, ठीक है। अगला है वेयर डू बर्ड्स लिव, बर्ड्स कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं जो बर्ड्स हैं वो रहते कहाँ पर है, ट्रीज पर रहते हैं, ठीक है। सो द बर्ड्स लिव इन ट्रीज, आप ये लिख सकते हो, द बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, ट्रीज के ऊपर रहते हैं, ठीक है, ऑन ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है विच बर्ड डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई, सबसे ज्यादा अच्छा बर्ड आपको कौन सा लगता है और व्हाई, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि कौन सा बर्ड आपको अच्छा लगता है, जो बर्ड आपको अच्छा लगता है वो बता देना और व्हाई, ठीक है। अगर मेरे को पूछेंगे तो मैं ये बोलूंगी विच बर्ड डू यू लाइक द मोस्ट, आप बोलेंगे आई लाइक पैरट द मोस्ट, और व्हाई का आंसर होगा बिकॉज इट इज वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर होता है, इसलिए मैं इस बर्ड को लाइक करती हूँ, ठीक है। आई लाइक पैरट द मोस्ट बिकॉज इट इज वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है, हो गया ये वाला आंसर। अब अगला है रीडिंग करना है हमने, रीडिंग में क्या है, मैं पोएम आपके साथ रीड करूंगी, आप भी रीड करना ताकि आपको पता चल जाए हर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना होता है, ठीक है। लिटिल बर्ड फ्लाई अराउंड अप टू द स्काई डाउन टू द ग्राउंड, लिटिल बर्ड फ्लैप योर विंग्स ओपन योर बीक एंड स्वीटली सिंग, लिटिल बर्ड फ्लाई टू योर नेस्ट नाउ इट इज टाइम टू टेक अ रेस्ट, ठीक है, कि अब टाइम हो गया रेस्ट करने का। इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं पोएम के वो मैं आपको बता देती हूँ, और उनके जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं मीनिंग्स उनके हिंदी में, ठीक है। फर्स्ट है बर्ड पक्षी, अराउंड चारों तरफ, डाउन नीचे, विंग्स पंख, फ्लाई उड़ना, फ्लैप फड़फड़ाना, नेस्ट घोंसला, बीक चोंच, जो उसके होती है बर्ड की चोंच जो होती है उसको बीक बोलते हैं, रेस्ट आराम, ठीक है, आराम करने को बोलते हैं रेस्ट करना, ठीक है। अब अगला आ गया कॉम्प्रिहेंशन, मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है वीडियोस में कि जो कॉम्प्रिहेंशन है वो हमारे लेसन या पोएम के ऊपर जो बेस्ड होती है वो वाली एक्सरसाइजेज होती है, ठीक है। इसकी जो एक्टिविटी वन है वो ये है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट टी फॉर ट्रू, मतलब जो सही है स्टेटमेंट उसके सामने टी लिखना है क्योंकि वो सही होगी,
और एफ फॉर फॉल्स, और जो गलत स्टेटमेंट होगी उसके आगे लिखना है एफ, ठीक है। फॉल्स सेंटेंसेस इन द गिवन बॉक्सेस, ये जो बॉक्सेस दिए हुए हैं इनमें फर्स्ट है द लिटिल बर्ड फ्लाइज अराउंड, लिटिल बर्ड जो है वो घूमता है, आसपास घूमता है, ठीक है, चारों तरफ घूमता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि चारों तरफ घूमता है, पोएम के अकॉर्डिंग ठीक भी है, वो बोलते हैं ना द लिटिल बर्ड फ्लाइज अराउंड। बर्ड्स कांट गो अप टू द स्काई, बर्ड्स जो है वो स्काई में नहीं जा सकते, जा सकते हैं ना वो, तो इसलिए इसको फॉल्स करा हमने, ठीक है, फॉल्स हो गई है। बर्ड्स फ्लैप इट्स विंग्स, बर्ड्स जो है वो अपने जो पंख हैं वो फड़फड़ाते हैं, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, ये ट्री लिखेंगे। लाइक बर्ड्स वी टू कैन फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स की तरह हम भी फ्लाई में, हम भी स्काई में उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते, फॉल्स है ना। बर्ड टेक्स रेस्ट इन ए नेस्ट, जो बर्ड है वो नेस्ट में जो रेस्ट करता है, घोंसले में रेस्ट करता है, यस बिल्कुल ठीक है, तो इसके आगे ट्रू लिख दिया, टी लिख दिया, ठीक है। एक्टिविटी टू, सेकेंड एक्टिविटी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करिए। नंबर वन है वेयर डज द लिटिल बर्ड फ्लाई, ठीक है, लिटिल बर्ड कहाँ उड़ता है, ठीक है। वैसे मैंने लिखा है द लिटिल बर्ड फ्लाइज अराउंड, मतलब लिटिल बर्ड चारों तरफ उड़ता है, ठीक है, ये इसका आंसर है, और बिल्कुल ठीक है ये, फ्लाइज अराउंड, ठीक है। यहाँ पर फ्लाई और यहाँ पे फ्लाइज बन गया, क्यों बना वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगी, क्योंकि वो ग्रामर का पार्ट है, अभी आपको बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं। डज अ बर्ड हैव बीक, क्या बर्ड की जो है वो चोंच होती है, यस होती है, यस इसका आंसर है, ठीक है। वेयर डज द बर्ड टेक रेस्ट, बर्ड जो है वो कहाँ रेस्ट करता है, द बर्ड टेक्स रेस्ट इन अ नेस्ट, ठीक है, वो नेस्ट में रेस्ट करता है, मतलब घोंसले में रेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है एक्टिविटी थ्री, आई होप अभी तक आपको सब समझ में आ गया होगा। यूज ऑफ हैज और हैव, हैज और हैव को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अ बर्ड हैज विंग्स एंड अ बीक, बर्ड के विंग्स होती हैं और पंख होते हैं और चोंच होती है। वी यूज हैज और हैव टू शो दैट ए थिंग बिलोंग्स टू समवन, अगर इसी किसी के पास कोई चीज होती है तो उसके लिए हम हैज या फिर हैव यूज करते हैं। अगर मैं बोलूँ आई हैव अ न्यू पेंसिल, तो मेरे पास एक न्यू पेंसिल है, या फिर आई हैव ए पेंसिल, आई हैव एन इंग्लिश बुक, मेरे पास इंग्लिश बुक है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। हैव मतलब आपके पास वो चीज़ है, हैज इज यूज विद वन पर्सन और अ थिंग, हैज जो है वो एक पर्सन के लिए यूज होता है, ही शी इट के लिए भी, एंड सिंगुलर नेम्स और सिंगुलर नेम्स के लिए। दस वी कैन से, सो हम कह सकते हैं ही हैज वन बैग, उसके पास एक बैग है, शी हैज टू डॉल्स, उसके पास दो डॉल्स हैं, गुड़िया हैं। द कैट हैज अ लॉन्ग टेल, कैट की जो है वो लंबी पूंछ होती है, ठीक है, उसके पास है, मतलब हैव इज यूज्ड विद, हैव कहाँ कहाँ यूज होता है, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, एंड प्लूरल नाउन्स, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा कोई भी है तो, ठीक है, अगर गर्ल्स बोलेंगे, गर्ल्स बोलेंगे तो उसके साथ हैव यूज होगा, बॉयज बोलेंगे तो उसके लिए भी हैव यूज होगा। सो वी कैन से आई हैव टू फ्रेंड्स, मेरे दो फ्रेंड्स हैं, यू हैव अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर है, ठीक है, इसके लिए मैं आपकी अलग से वर्कशीट भी बना दूंगी ताकि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाए। वी हैव ए न्यू कार, हमारे पास न्यू कार है, दे हैव मैनी बुक्स, उनके पास बहुत सारी किताबें हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल जो सही ऑप्शन है उसको टिक करिए। माय कैट हैज ब्लैक स्पॉट्स, ठीक है, हैव या हैज में से करना है। आई हैव अ बैग, एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, अ बर्ड हैज टू विंग्स, रीमा एंड आई दो जन हो गए ना, हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव अ पेन एंड पेंसिल, शी हैज अ यंगर ब्रदर, माई सिस्टर हैज अ ब्यूटिफुल डॉल, माई डॉग हैज ब्यूटिफुल फर, आई हैव मैनी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, ठीक है, तो हैव और हैज का ये यूज हो गया, जो पीछे समझाया गया उसके अकॉर्डिंग हमने फिल कर दिया। अगली एक्सरसाइज है वोकेबलरी, मतलब न्यू न्यू वर्ड्स आप सीखेंगे। एक्टिविटी वन, रीड एंड राइट, राइट द लेटर विच इज इन नेस्ट बट नॉट इन टेस्ट, मतलब एक ऐसा लेटर बताइए जो नेस्ट में तो है बट टेस्ट में नहीं है, ठीक है। एक उन्होंने करा हुआ है एन, एन जो है वो नेस्ट में है बट टेस्ट में नहीं है ना, बाकी सब है, ई एस टी भी है। राइट द लेटर विच इज इन अराउंड बट नॉट इन ग्राउंड, कौन सा लेटर है वो, ए, तो हम आंसर लिख देंगे ए। राइट द लेटर विच इज इन फ्लैप, सॉरी, राइट द लेटर विच इज इन फ्लैप बट नॉट इन क्लैप, एक ऐसा लेटर
जो फ्लैप में है लेकिन क्लैप में नहीं है. कौन सा लेटर फ्लैप में और क्लैप में नहीं है? एफ. तो एफ लिख देंगे. ठीक है. राइट द लेटर विच इज इन बीक बट नॉट इन पीक. जो बीक में है बट पीक में नहीं है वो कौन सा है? बी. तो आंसर हो जाएगा बी. ठीक है. राइट द लेटर विच इज इन सिंग. एक ऐसा लेटर बताइए जो सिंग में तो है बट विंग में नहीं है. कौन सा? एस है ना. तो एस आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है. अगला जो है हमारा है मैच द एनिमल्स. एक्टिविटी टू है ये. मैच द एनिमल्स विद द प्लेसेस वेयर दे लिव. एनिमल्स को मैच करिए उनके प्लेसेस के साथ जहां पर वो रहते हैं. जैसे काऊ है वो रहती है शेड में, फिश वाटर में, हॉर्स जो हॉर्स का रहने की जगह होती है उसको बोलते हैं स्टेबल, इंग्लिश में बोलते हैं. लायन जो होता है वो रहता है, लायन जो रहता है डेन में. ठीक है. गुफा को बोलते हैं डेन. मंकी ट्री के ऊपर रहता है. और डॉग जो है वो डॉग का जो घर होता है उसको बोलते हैं कैनल, वो कैनल में रहता है. ठीक है. अगला है लिसनिंग एंड स्पीकिंग. एक्टिविटी वन फॉर द टीचर. मैंने पहले भी बताया कोई भी एक्टिविटी अगर है वो स्कूल में टीचर करवाएंगी और घर में कोई ना कोई पेरेंट करवाएंगे, मम्मा या पापा. आस्क द चिल्ड्रन टू रीड अलाउड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड देन मैच द वर्ड दैट राइम वन हैज बीन डन फॉर यू. मतलब ये वाले वर्ड्स को आपने ऊंचा ऊंचा बोलना है और जो राइम कर रहे हैं वर्ड्स, जैसे पिछले चैप्टर में भी थे, मैंने आपको करवाया था राइमिंग वर्ड्स, उनको मैच करना है. मैंने नंबर्स डाल दिए हैं क्योंकि कई बार ऐसे लाइंस खींचने से ना आप कंफ्यूज हो जाते हो. बर्ड कर्ड पहले से करके रखा हुआ है. विंग जो है वो राइम करेगा रिंग के साथ. टेल नेल. फ्लाई क्राई. नेस्ट टेस्ट. एग जो वो करेगा राइम पैक के साथ. और हाई जो करेगा वो करेगा टाई के साथ. ठीक है ना. तो इस तरह से ये राइमिंग वर्ड हो गए. और अगला है एक्टिविटी टू फॉर द टीचर. स्कूल में टीचर करवाएंगे और घर में कोई ना कोई पेरेंट, मम्मा या पापा में से कोई भी एक करवा देगा बच्चे को. ठीक है. तो ये है रीड अलाउड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो. नीचे दिए हुए वर्ड्स को, ये वाले वर्ड्स जो है इनको रीड करना है और नोटिस द डिफरेंस इन मीनिंग एंड साउंड. और देखिए कि सबका मीनिंग कितना डिफरेंट और साउंड भी कितने डिफरेंट है. जैसे इसको बोलते हैं सिट. सिट मतलब बैठना. सीट. सीट का मतलब जिस जगह पे हम बैठते हैं उसको सीट बोलते हैं, है ना. हिट का मतलब होता है किसी को हिट करना, मारना. और हीट का मतलब होता है गर्मी, है ना, हीट. बिट का मतलब होता है थोड़ा सा. ठीक है. और बीट का मतलब होता है किसी को मारना. ठीक है. हिट करना भी होता है किसी को हिट करना, ऐसे हिट करना. और बीट का मतलब किसी को मारना, किसी भी तरह से उसको मारना. ठीक है. बीट द हीट भी बोलते हैं. बीट द हीट मतलब अगर हमने गर्मी को मारना है तो, है ना. तो ये है जैसे इसको हीट जो है ना वो सूरज की गर्मी को भी बोल सकते हैं. सन्स हीट, सूरज की गर्मी. ठीक है. और समझ में आ गया आपको. और ये जैसे शिप है, शिप होता है समुद्री जहाज. और शीप जो होता है उसका मतलब होता है भेड़. तो देखा आपने कितना डिफरेंट इनका हम बोलने का और कितना डिफरेंट इनके मीनिंग्स भी हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड स्पीक द वर्ड्स अलाउड. नीचे दिए हुए पिक्चर्स को, नीचे वर्ड्स देखिए और उनको ऊंचा ऊंचा बोलिए. बेड, लीफ, ब्रेड, बीट, नेट, जेट, ट्री, बी. ठीक है. ये हो गया आपका राइटिंग. एक्टिविटी वन चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कम्प्लीट द सेंटेंसेज अबाउट द बर्ड गिवन इन द पिक्चर. नीचे दिए गए जो वर्ड्स हैं उनको चूज करना है इनको फिल करने के लिए, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स को. द बर्ड हैज फेदर्स. जो बर्ड के पंख होते हैं. इट हैज अ बीक. उसकी चोंच होती है. ठीक है. द बर्ड हैज विंग्स. उसके जो पंख होते हैं. द बर्ड बिल्ड्स अ नेस्ट. वो नेस्ट बनाता है बर्ड. इट लेज एग्स. बर्ड जो है वो एग्स देता है. द बर्ड ईट्स सीड्स. जो वो सीड्स खाता है. ठीक है. बर्ड जो होता है वो बीज खाता है, सीड्स खाता है. एक्टिविटी टू फॉर द टीचर फॉर द पेरेंट. स्कूल में टीचर करवाएंगी और घर में मम्मा या पापा में से एक पेरेंट कोई भी करवा देंगे बच्चे को. हेल्प चिल्ड्रन प्रैक्टिस राइटिंग. ठीक है. ये डिस्क्राइब किया हुआ वर्ड्स को तो उसको राइटिंग की भी प्रैक्टिस करानी है कि ये कर्सिव में लिखना कैसे है. ठीक है. ट्रेस ओवर द सेंटेंसेस गिवन बिलो. उसको बोले नीचे दिए हुए सेंटेंसेस के ऊपर ट्रेस करें. ठीक है. और ये पूरा का पूरा ये लाइंस जो है सारी एक बर्ड को डिस्क्राइब कर रही हैं. दिस इज माय पैरट. इट्स नेम इज मिठू. इट्स कलर इज ग्रीन. इट हैज अ रेड बीक. इट सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स. इट ईट्स फ्रूट्स एंड ग्रेन्स. ठीक है. कि मेरा ये एक पैरट है, इसका नाम मिट्ठू है, इसका रंग हरा है, उसकी लाल चोंच होती है, ये मतलब स्वीट सॉन्ग्स, मीठे जो गाने गाता है, और ये फ्रूट्स और ग्रेन्स खाता है. ठीक है.
नेक्स्ट है फॉलो अप एंड ऑफ द एक्टिविटी, जो एंड ऑफ द चैप्टर में एक्टिविटी होती है. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ सम बर्ड्स, कि जो कुछ कुछ बर्ड्स की पिक्चर्स को कलेक्ट करो एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक, और उनको अपनी नोटबुक में पेस्ट करो एंड राइट देयर नेम्स, और उनके नेम्स लिखिए. ठीक है, तो जो जो बर्ड्स हैं उनकी पिक्चर्स आपको मिलती हैं उनको पेस्ट करके नोटबुक में उनको उनके नाम लिख दीजिए. तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 10 फिनिश. आई होप सबको यूजफुल रहा होगा, आपको बहुत फ़ायदा रहा होगा इस चैप्टर का, आई होप. और अगर आपके लिए यूजफुल रहा है चैप्टर, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये वाली वीडियो पसंद में आई. और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. तो चलिए अब करते हैं गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.